वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो में हम लोग रिवर जो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस वेबसाइट है उसके अंदर उसका जो सेटिंग वगैरह है वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कुछ करना है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे सपोर्ट चाहते हो, मेरे से कोई हेल्प लेना चाहते हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, वरना मेरा सोशल नेटवर्क कम्युनिटी वेबसाइट है उसके अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके पोस्ट करना है आपका प्रॉब्लम के लिए। तो इस वेबसाइट में आकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसलिए हम लोग जाते हैं इसके डैशबोर्ड के अंदर, हमारा वेबसाइट के अंदर सबसे पहले जाते हैं। हमारा वेबसाइट है रिवर मार्केट प्लेस फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस, जो वेबसाइट होता है वही हमारा ये वेबसाइट है। इसके अंदर कोई भी कॉन्टेंट नहीं है, हम लोग कोई भी कॉन्टेंट यहाँ पर अपलोड नहीं किए हैं, जस्ट सेटिंग वगैरह करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसका जो भी लोगो टाइटल एंड फेव आइकॉन वगैरह यहाँ पर चेंज किए थे, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग फुल सेटअप देखने वाले हैं, इसका जो फुल सेटअप होता है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका जो एडमिन एरिया है उसमें जाते हैं। एडमिन एरिया में जाने के लिए आपका डोमेन स्लैश डैशबोर्ड लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं हमारा एडमिन एरिया के अंदर और यहाँ पर हम लोग सेटिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं सेटिंग के अंदर। यहाँ पर सेटिंग के अंदर और यहाँ पर जनरल सेटिंग के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, ये सारा सेटिंग हम लोग किए हैं। ये सारा सेटिंग किस तरह से करना है ये अगर आप लोग देखना है तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताए हैं इस सेटिंग को, तो इस सेटिंग को हम लोग स्किप करते हैं और यहाँ पर जाते हैं दूसरा सेटिंग के अंदर, अपीयरेंस में जाते हैं। यहाँ पर अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी कलर आपका जो भी थीम होगा उसका जो प्राइमरी कलर होगा, ये सारा बटन वगैरह कलर यहाँ पर देख सकते हो, ये प्राइमरी कलर। इसको अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ आपका के आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह का मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ओके इस तरह का कलर मैं यहाँ पर देता हूँ, यही हमारा कलर है। उसके बाद यहाँ पर इनेबल डार्क मोड, अगर आप लोग आपका जो वेबसाइट है इसको डार्क मोड के अंदर ऐड करना चाहते हो तो ये इनेबल रहेगा, अगर आप लोग डार्क मोड नहीं देना चाहते हो तो इसको अनचेक कर देना था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसलिए इस तरह का रखता हूँ। और यहाँ पर लोगो देख सकते हो, लोगो का जो हाइट है वो अगर आप लोग यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं 40 कर देता हूँ, 30 था। उसके बाद यहाँ पर कस्टम गूगल फॉन्ट, तो आपका जो गूगल फॉन्ट है अगर आप लोग गूगल फॉन्ट ऐड करना चाहते हो तो ये जो फॉन्ट है ये यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ये गूगल फॉन्ट का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो दूसरा, ठीक है, और फॉन्ट का नाम यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी गूगल फॉन्ट यहाँ पर ऐड नहीं करूँगा, जो थे यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अगर जाते हो तो यहाँ पर इनेबल होम स्लाइडर, होम स्लाइडर यानी कि यहाँ पर स्लाइडर होगा, स्लाइडर हम लोग ऐड करने वाले हैं कुछ समय के बाद इस ट्यूटोरियल के अंदर ही, ठीक है। तो ये रहेगा, हम लोग स्लाइडर रखना चाहते हैं। उसके बाद शो फीचर कैटेगोरी, शो बेस्ट सेलर, तो यहाँ पर हमारा फीचर कैटेगोरी शो करेगा, बेस्ट सेलिंग शो करेगा, ये सारा शो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये सारा चीज़ें टिक मार्क रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपडेट में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें होम पेज के अंदर शो करेगा, ठीक है। तो हमारा अपडेट हो गया, हम लोग अगर इसको रिलोड करके देखते हैं तो लोगो थोड़ा सा हमारा बिग हो गया और यहाँ पर हमारा जो भी कलर है प्राइमरी कलर वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं दूसरा सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर जाते हैं यहाँ पर करेंसी सेटिंग, तो यहाँ पर करेंसी सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हो करेंसी, यहाँ पर हमारा करेंसी नेम है और यहाँ पर करेंसी कोड है USD और यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट 1 है, ठीक है। तो यही रहेगा, अगर आप लोग तो करेंसी चेंज करना चाहते हो और भी करेंसी आपको ऐड करना है यहाँ पर जो करेंसी है इसमें अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर कोई भी करेंसी ऐड करना चाहते हो उस करेंसी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर इंडियन करेंसी अगर यहाँ पर सेट करना है तो यहाँ पर इंडियन करेंसी का जो भी कोड होगा वो सिलेक्ट करके यहाँ पर नाम देना है रुपी, उसके बाद अपडेट में क्लिक करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग करेंसी को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेटिंग के अंदर जाते हैं, इसके ऑथोराइज यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ऑथोराइजेशन में हम लोग यहाँ पर वेरीफाई रिक्वायरमेंट, कोई भी यूज़र अगर आपका वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करता है उसको अगर वेरीफाई करना है
तो यहाँ पर टिक मार्क दे सकते हो, यहाँ पर टिक मार्क रहेगा। अगर आपको उसको वेरीफाइड रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर अनचेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा अगर इसको अनचेक करोगे तो उसको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको रखना क्योंकि हमारा वेबसाइट में जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो वेरीफाई होगा, ठीक है। तो वेरीफाई टाइप यहाँ पर बाई ईमेल है, फ्रॉम डैशबोर्ड भी कर सकते हो, हम लोग यहाँ पर बाई ईमेल करते हैं, ठीक है। ईमेल से ही हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वेरीफिकेशन एक्सपायर होगा, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर सेकंड है, ठीक है। इतने सेकंड बा आर्स के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, उस लिंक के क्लिक करके वेरीफाई नहीं होगा, तो वही है, तो यही रहेगा। उसके बाद रिसेट पासवर्ड एक्सपायर, ओके यही रहने देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर फेसबुक क्लाइंट आईडी, फेसबुक सीक्रेट आईडी, ये सारा फेसबुक लॉगिन ऑप्शन अगर आप लोग ऑन करना चाहते हो तो वो यहाँ पर फेसबुक क्लाइंट आईडी, यहाँ पर सीक्रेट आईडी और ट्विटर, गूगल, यहाँ पर गिटहब, लिंक्डइन, ये सारा अगर चाहते हो तो ये सारा चीज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग नहीं करते क्योंकि ये करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं। इसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर ये सारा चीज़ें आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर से सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं कमीशन के अंदर। कमीशन के अंदर यहाँ पर देख सकते हो, तो कमीशन सेटिंग यहाँ पर इनेबल रहेगा क्योंकि अगर कमीशन आप लोग नहीं लोगे तो आप लोग आपका जो वेबसाइट है इससे कैसे कमाओगे, ठीक है। तो कमीशन यहाँ पर लेना चाहिए। और यहाँ पर टैक्स टाइप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, परसेंटेज अमाउंट, और यहाँ पर फिक्स अमाउंट भी ले सकते हो, परसेंटेज अमाउंट भी ले सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं परसेंटेज अमाउंट लूँगा, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज अमाउंट, और यहाँ पर टैक्स वैल्यू, यहाँ पर टैक्स कितनी लोगी, 2 यहाँ पर है, मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। और यहाँ पर कमीशन में, यहाँ पर ऑर्डर में कमीशन ले सकते हो, और यहाँ पर कमीशन परसेंटेज अमाउंट यहाँ पर 10% है, तो आप लोग यहाँ, हम लोग यहाँ पर 20% करते हैं क्योंकि हम लोग 20% कमीशन यहाँ पर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग और भी ज़्यादा कमीशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आप लोग और भी लो कमीशन लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अपडेट में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट सेटिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ पर सेटिंग के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग फुटर ऑप्शन में जाते हैं, और फुटर ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज स्विचर, हम लोग इसका फुटर ऑप्शन में जाते हैं, और यहाँ पर फुटर ऑप्शन में भी लैंग्वेज स्विचर है। हम लोग यहाँ पर डार्क मोड, यहाँ पर अगर करते हैं तो डार्क मोड होगा हमारा वेबसाइट, तो इसको हम लोग इनेबल करते हैं। और यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज ऑप्शन है, इसको अगर हम लोग ऑफ करना चाहते तो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हेडर में हमारा है, तो अगर आप लोग फुटर में नहीं रहना देना चाहते हो तो इसको मत दीजिए, तो हम लोग रहने देना चाहते हैं इसलिए यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पेज, यहाँ पर आपको पेज क्रिएट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन पेज क्रिएट करके यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर प्राइवेसी पेज क्रिएट करके सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारा टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी वगैरह ये सारा कैसे क्रिएट करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद फुटर लोगो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हमारा लोगो ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस लोगो को ऐड कर देते हैं, ये हमारा फुटर लोगो हो गया। उसके बाद फुटर में कॉपीराइट टैक्स आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर यही देता हूँ, वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल यही देता हूँ, ठीक है। फुटर टैक्स, तो आपका वेबसाइट का जो भी फुटर टैक्स होगा वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका फेसबुक पेज, यहाँ पर मैं हैशटैग लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्विटर पेज, यहाँ पर भी हैशटैग लगा देता हूँ, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज, पिंटरेस्ट पेज, ये सारा सोशल मीडिया आपका जो पेज होगा उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये सारा सेटिंग करने के बाद हम लोग जाते हैं सेटिंग ऑप्शन में, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे फिर से यहाँ पर पेमेंट गेटवे, यहाँ पर हम लोग बाद में जाएंगे। इसके बाद हम लोग जाते हैं मीडिया में, यहाँ पर मीडिया में आप लोग ये सारा चीज़ें सेट कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर रिक्वायर्ड फाइल मैक्सिमम साइज, आपका जो फाइल है उसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, यहाँ पर MB है, ठीक है। यहाँ पर 50 MB आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो हम लोग इसको थोड़ा सा लो भी कर सकते हैं, बड़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ है, तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर हम लोग 30 करते हैं। और यहाँ पर रिक्वायर्ड फाइल एक्सटेंशन JPG और यहाँ पर PDF, GIF, ये सारा फाइल यहाँ पर सपोर्ट करेगा। उसके बाद डिलीवरी वर्क मैक्सिमम साइज़, तो इसका जो मैक्सिमम साइज़ कितना होगा वो यहाँ पर सेट कर सकते हो आपके हिसाब से, तो मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद पोर्टफोलियो मैक्सिमम इमेज, यहाँ पर 10 इमेज यूज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैक्सिमम इमेज साइज़, तो यहाँ पर 5 MB का है, यही रहने दीजिए। तो आप लोग आपका हिसाब से यहाँ पर सेट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपडेट में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है।
अभी हम लोग यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं हम लोग पब्लिश ऑप्शन में। ठीक है, पब्लिश ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पब्लिश ऑटो अप्रूव गिग। तो अगर इसको आप लोग टिक मार देते हो तो आपको आपका जो यूज़र यहाँ पर गिग पोस्ट करेगा उसको मैनुअली अप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैं ऑटो अप्रूव देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका रिव्यू करने के बाद ही आप लोग अप्रूव करोगे तो इसको अनचेक कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑटो अप्रूव करता हूँ। उसके बाद ऑटो अप्रूव यूज़र पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, इसको भी हम लोग ऑन करते हैं। और यहाँ पर इनेबल वीडियो फॉर गिग, इसको इनेबल करते हैं। उसके बाद अलाउ अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर गिग, इसको भी अलाउ करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टैग कितना टैग दे सकते हैं एक गिग में, हम लोग यहाँ पर 10 टैग देते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम डॉक्यूमेंट, यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज 10 MB का यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम इमेज पर गिग, तो यहाँ पर 10 इमेज है। और मैक्सिमम साइज पर इमेज, ये सारा चीज़ें यही रहेगा। उसके बाद अपडेट में क्लिक कर देना, ये सारा सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बटन में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग जाएंगे सिक्योरिटी में। ठीक है, सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इनेबल टू कैप्चा, इनेबल रिकैप्चा, इसको इनेबल ही रखने दीजिए क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के लिए। ठीक है, यही रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिस्टम में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग जाते हैं SEO में। ठीक है, SEO में जाने के बाद यहाँ पर आपको SEO डिस्क्रिप्शन लिखना होगा और यहाँ पर आपका जो ऐप्स आईडी है, फेसबुक ऐप आईडी, वो यहाँ पर देना है। यहाँ पर पेज आईडी और यहाँ पर ट्विटर का यूज़र नेम और यहाँ पर सोशल मीडिया OG इमेज, जिस इमेज को आप लोग आपका जो वेबसाइट है वो सोशल मीडिया में अगर शेयर होता है तो उस टाइम यही इमेज दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ, इस इमेज को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, यही इमेज हमारा दिखेगा हम लोग अगर हमारा वेबसाइट को शेयर करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप लोग कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल से ही कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, तो आपका हिसाब से आपका साइट का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दीजिएगा। और यहाँ पर फेसबुक ऐप आईडी, पेज आईडी यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर ट्विटर के यूज़र नेम यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि मेरा ट्विटर के यूज़र नेम ये रहा, इसको मैं देता हूँ। उसके बाद ये सारा चीज़ इनेबल साइट नेम, इसको इनेबल ही रखना है। और यहाँ पर हम लोग अपडेट में क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेव हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ये पिक्चर आ गया है। ठीक है, अगर हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसको ओपन करते हैं और इसको हम लोग अगर लिंक को कॉपी करते हैं और इस लिंक को हम लोग अगर यहाँ पर शेयर करते हैं तो जो हम लोग OG इमेज में दिए हैं वही इमेज यहाँ पर प्रीव्यू होगा। ठीक है, तो देख सकते हो हम लोग ये इमेज को यहाँ पर अपलोड किए थे और यही इमेज हमारा यहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है। और हम लोग जो यहाँ पर वेबसाइट के अंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाले थे वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमारा प्रीव्यू हो रहा है और हमारा वेबसाइट और टाइटल यहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इस OG इमेज को अपलोड कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेटिंग के दूसरा ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग जाएंगे SEO सेटिंग हम लोग कर लिया है, SMTP। ठीक है, SMTP हम लोग बाद में सेटअप करेंगे क्योंकि SMTP सेटअप करने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग SMTP बाद में सेटअप करना आपको दिखाएंगे। हम लोग दूसरा ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग जाते हैं स्लाइडर में, स्लाइडर में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर कुछ स्लाइडर हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं, अपलोड न्यू स्लाइडर। यहाँ पर हम लोगों को इमेज अपलोड करना है स्लाइडर के लिए, तो हम लोग इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं फ्री इमेज डाउनलोडर वेबसाइट से। तो हम लोग यहाँ पर गूगल में सर्च करते हैं फ्री इमेज डाउनलोडर लिखकर। तो फ्री इमेज लेने के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पर पिक्सेल वे में, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर से हम लोग कुछ इमेज यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रीलेंसिंग इमेज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रीलेंसर। ओके, यहाँ पर फ्रीलेंसर लिख दिया है और यहाँ पर कुछ इमेज आ रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो प्रीमियम इमेज भी यहाँ पर है, तो हम लोग फ्री इमेज लेने वाले हैं, जो फ्री है वही हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये सारा इमेज आप लोग देख सकते हो, जो इमेज फ्री है वो आप लोग लीजिएगा। तो इस इमेज को हम लोग लेते हैं। ठीक है, इमेज को लेने के लिए यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज ओपन हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और इसका साइज सेलेक्ट करना है, तो यही साइज रहेगा। उसके बाद डाउनलोड में क्लिक करते हैं और ये इमेज हमारा डाउनलोड हो चुका है अभी। और भी हम लोग इमेज लेते हैं और कुछ इमेज लेंगे हम लोग, और हम लोग इस इमेज को लेते हैं। तो आप लोग इमेज खुद ही क्रिएट कर लीजिएगा, क्रिएट करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपलोड कीजिए आपका वेबसाइट में। तो हम लोग दोनों इमेज लिया है और भी एक इमेज हम लोग लेते हैं,
थ्री इमेज हम लोग लेंगे यहाँ से, इस इमेज को लेते हैं और यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इमेज यहाँ पर थ्री इमेज ले लिया है। तो आप लोगों को जितना इमेज चाहिए उतना इमेज आप लोग ले सकते हो। उसके बाद हम लोग इसको कट करते हैं और यहाँ पर न्यू स्लाइडर में यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो हम लोग पहला वाला इमेज को सबसे पहले यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और ये हमारा एक इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग दूसरा इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इमेज अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग इसको अगर रीलोड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला स्लाइडर यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग अगर हमारा जो वेबसाइट है इसको रीलोड करते हैं तो हमारा ये जो इमेज है ये यहाँ पर हमारा स्लाइडर के अंदर आ चुका है। लेकिन ये स्लाइड नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा एक ही इमेज है। तो हम लोग और भी इमेज यहाँ पर ऐड करने वाले हैं और इस इमेज को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, हमारा दूसरा इमेज ऐड हो चुका है। इसको फिर से हम लोग रीलोड करते हैं, ये ऑटोमेटिक सेव होगा तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तीसरा इमेज को भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, हमारा तीसरा इमेज यहाँ पर सेव हो चुका है। अभी हम लोग अगर इसको रीलोड करते हैं तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर स्लाइड होगा। आप लोग यहाँ पर वेट करोगे तो यहाँ पर इमेज स्लाइड होगा, देख सकते हो इमेज को स्लाइड हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इमेज हमारा स्लाइड हो रहा है। तो इसी तरह से आप लोग आपका जो स्लाइडिंग इमेज है वो यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दूसरा ऑप्शन में जाते हैं सेटिंग का, और भी इमेज अगर ऐड करना है तो कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन में हम लोग अगर जाते हैं विड्रो ऑप्शन, सेटिंग का आखिरी ऑप्शन है ये। तो यहाँ पर देख सकते हो विड्रो सेटिंग के अंदर यहाँ पर चूज विड्रो सेटिंग, यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम विड्रो अमाउंट, मैक्सिमम विड्रो कितने डॉलर यहाँ पर कर सकते हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम विड्रो $50 देते हैं। कोई भी यूज़र अगर उसका $50 इनकम वो कर रहा है तो वो विड्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विड्रो पीरियड, ठीक है, तो डेली विड्रो अगर करना चाहता है तो डेली कर सकते हैं, वीकली मंथली, तो हम लोग यहाँ पर देते हैं मंथली विड्रो करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपडेट में अगर क्लिक करते हैं तो ये सारा सेटिंग हमारा हो गया है। हम लोग ऑलमोस्ट सारा सेटिंग यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर सेटिंग का जितना भी ऑलमोस्ट सेटिंग था वो हम लोग सारा कुछ कर लिया है। सिर्फ हमारा SMTP और पेमेंट गेटवे रहा है। तो ये सारा सेटिंग हम लोग दूसरा वीडियो के अंदर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।